नमस्कार दोस्तों, मैं महेश कुशवाहा आपका आपके परिवार देवेंद्र क्लासेस पर आपका हार्दिक अभिनंदन एवं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मैं आपके लिए एसएससी जीडी में पिछले वर्षों में पूछे गए प्रश्न लेकर आया हूं। मैथ्स के क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर है, आइए समझते हैं मेरे साथ क्वेश्चन को। दो संख्याओं का एलसीएम उनके एचसीएफ का 15 गुना है, एलसीएम और एचसीएफ का योग 112 है, यदि एक संख्या 49 है तो दूसरी संख्या है। ठीक, समझते हैं। जैसे कि एलसीएम अगर एक रहा होगा तो एलसीएम रहा होगा 15, क्योंकि 15 गुना बोला है, इन दोनों का सम बोला है, यहां बन रहा है 16 और क्वेश्चन ने बोला है 112। एक यूनिट का मान रहा है यहां 16 सत्ते 112, यहां 15 टाइम कर देंगे तो कितना बन जाएगा, 15 सत्ते 105 और 1 टाइम 7, यहां एलसीएम रहा है 105 और एचसीएफ रहा है 7। यदि एक संख्या 49 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करें। जैसे कि समझते हैं, पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ। अगर पहली संख्या 49 है तो दूसरी संख्या आपको ज्ञात करनी है, और एलसीएम कितना दिया है 105 और एचसीएफ कितना दिया है 7। 7 से 49 को काटेंगे 7 बार, यहां 105, 7 से 105 को काटेंगे 15 बार, 15 सत्ते 105, तो दूसरी संख्या कितनी निकली 15, जो कि ऑप्शन नंबर सी पर है। ऐसे ही सेकंड क्वेश्चन समझाएंगे, बहुत आसान क्वेश्चन है, एसएससी जीडी में पिछले वर्षों में पूछे गए प्रश्न हैं ये सब। सभी बीमारी की वजह से एक व्यक्ति का भार एक महीने में 80 किलोग्राम से घटकर 64 किलोग्राम हो गया, व्यक्ति के भार में प्रतिशत कमी ज्ञात करनी है। अगर आपको जैसे कि संख्या दी गई है, अगर आपको परसेंटेज वैल्यू में आंसर पूछा है तो इनका रेशियो निकाल सकते हैं आप, बहुत आसान क्वेश्चन है। जैसे कि 80 केजी, उसके बाद 64 केजी, ये 8 से कट रहा है 10 बार और 8 से ये नंबर 8 बार, और काट सकते हैं और नंबर छोटा कर सकते हैं, 2 से काट लो 5 बार और 2 से इसको 4 बार। यहां पहले भार था 5 केजी और दूसरा भार हुआ 4 केजी, तो कितना कम हुआ 1, कितने पर 5 पर, इंटू 100 परसेंटेज के लिए 5 से इसको काटेंगे कितनी बार 20 बार, तो इसका आंसर आएगा 20%, जो कि ऑप्शन नंबर डी पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन समझेंगे, ऐसे क्वेश्चन को निकालने के लिए बहुत आसान कॉन्सेप्ट है। अगर आपको परसेंटेज में आंसर निकालना है तो रेशियो में थोड़े से कर जा सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन समझते हैं, जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन रहा है आपका, संख्या 350 में 20% की वृद्धि की जाती है और फिर 25% की कमी की जाती है, इस प्रकार बनने वाली नई संख्या ज्ञात करें ज्ञात कीजिए। जैसे कि 350 में पहले 20% की वृद्धि करनी है, 20% की जो फ्रैक्शन वैल्यू रहती है, पहले 20% की फ्रैक्शन वैल्यू समझेंगे, 20% की जो फ्रैक्शन वैल्यू रहती है वो रहती है 1/5, उसके बाद परसेंटेज वैल्यू में दी है 25%, 25% की जो फ्रैक्शन वैल्यू रहती है वो रहती है 1/4। पहले यहां वृद्धि करने को बोल रहा है, 5 रुपए पर 1 रुपए की वृद्धि करने के लिए बोल रहा है, पहले 350 लिखेंगे, 350 पर कितने परसेंट की वृद्धि कर रहा है 20% 5 से बढ़कर 1, 5 से बढ़कर 1 तो कितना होगा 6/5, उसके बाद 4 पर 1 की कमी करने के लिए बोल रहा था, यहां बनेगा 3/4, ये दोनों का मल्टीपल होगा 5 × 4 हो जाएगा 20, 20 से 2 0 से 0 कट जाएगा और 2 से ये नंबर 3 बार और 2 से 2, यहां बन जाएगा 3 × 3 × 35, आगे कर सकते हैं इस नंबर को 35 × 3 × 3, 35 × 3 और रहता है 105 और एक उसके बाद 3 और रहा है, 105 × 3 = 315, जो कि ऑप्शन नंबर ए पर है। क्वेश्चन बहुत आसान है, ऐसे भी कर सकते हैं, दूसरे और भी तरीके हैं। जैसे कि आगे क्वेश्चन बताता हूं मैं आपको, 10 संख्याओं का औसत 89 रुपए है, यदि एक वस्तु का मूल्य 35 रुपए है तो शेष 9 वस्तुओं का औसत मूल्य ज्ञात करें। जैसे कि मैं आपको बताता हूं,
औसत मूल्य का मतलब रहता है कि बराबर बराबर हिस्सों में बांटना। 10 वस्तु हैं, 10 वस्तुओं के पास 89 रुपए हैं, ऐसा समझ सकते हैं। वस्तुओं का मूल्य, 10 वस्तुओं का औसत मूल्य 89 रुपए है, तो प्रत्येक वस्तु का मूल्य 89 रुपए रहा होगा एवरेज में। जैसे कि समझेंगे, अगर एक वस्तु उसमें से निकाल दी जाती है जिसका मूल्य रहा है 35 रुपए, सभी में, तो इसका मतलब यह है कि 10 वस्तु थी पहले तो इनका औसत मूल्य था 89 रुपए। अगर इनमें से 35 किलोग्राम या 35 रुपए औसत भार वाली वस्तु चली निकल जाती है तो कितना बचेगा औसत भार सभी का? 35। मतलब वो पहले उसका औसत भार था 89 रुपए, अब उसके बाद वो ले जा रहा है 35, तो इसका मतलब कम ले जा रहा है। कितने कम ले जा रहा है? 54। अब जो 54 रुपए बच रहे हैं वो इन 9 में बढ़ जाएंगे। कितने बढ़ जाएंगे? 9 में। तो 54/9 कितना हो जाएगा यहाँ? 6। मतलब इनके 9 जो बचे हैं उनके हिस्से में 6-6 और आ जाएगा। तो पहले था उनके पास 89 रुपए, अब 6 रुपए और मिल जाएंगे, तो कितना हो जाएगा? 95। कितना हो जाएगा? 95, जो कि ऑप्शन नंबर सी पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 7.5 और 3 के 4 समानुपाती तथा 7 और 13 के 3 समानुपाती के बीच का अनुपात ज्ञात करें। जैसे कि चौथे समानुपाती निकालने के लिए चौथे लिखेंगे, चौथे समानुपाती निकालने के लिए उसके बाद चौथे और तीसरे यहां रहता है बी इंटू सी अपॉन ए, यहां रहता है बी स्क्वायर बटा ए। यहां बी कौन सा नंबर है? 5, तो लिखेंगे 5। इंटू सी कौन सा नंबर है? 3, तो 3 लिखेंगे। उसके बाद ए कौन सा नंबर है? 7, तो 7 लिखेंगे रेशियो। उसके बाद बी कितना नंबर है यहाँ? 13, तो 13×13 लिख देंगे। उसके बाद ए कौन सा नंबर है? 7, तो 7 से 7 को कट कर लेंगे। उसके बाद ये बन जाएगा 15, ये बन जाएगा 169। आगे इसको लिखेंगे, ये बन जाएगा 15 और 169। 15:169 का अनुपात रहा है, जो कि ऑप्शन नंबर ए पर है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। बहुत आसान क्वेश्चन था, आप समझ पाए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन समझेंगे, ए और बी एक काम को अलग अलग क्रम से 10 दिन और 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। बी अकेले 3 दिन कार्य करता है तथा फिर वह कार्य छोड़ देता है, ए शेष कार्य को कितने दिन में करेगा? जैसे कि मैं आपको बताता हूं, ए और बी, ए किसी कार्य को 10 दिन में करता है और बी उसी कार्य को 15 दिन में करता है। टोटल वर्क रहा होगा 30 यूनिट। अगर ए 30 यूनिट को 10 दिन में करता है तो वो एक दिन में 3 यूनिट कार्य करता होगा, तो यहां लिखेंगे 3 यूनिट कार्य। अगर 30 यूनिट को बी 15 दिन में करता है तो वो एक दिन में 2 यूनिट कार्य करता होगा। बी अकेले 3 दिन कार्य करता है, एक दिन में वो 2 यूनिट कार्य करता है, तो 3 दिन में उन्होंने 3 दिन में उसने कितनी यूनिट कार्य किया होगा? बोलता हूं 6 यूनिट। अगर 30 यूनिट टोटल वर्क रहा है उसमें से 6 यूनिट बी ने कर दी तो काम कितना बचा? कितना काम बचा? 24 यूनिट। और 24 यूनिट को कौन करेगा? अकेला शेष कार्य को कौन करेगा? ए। ए एक दिन में कितने यूनिट कार्य करता है? 3 यूनिट। तो 24 यूनिट को करने में कितना समय लगेगा? 8 डेज, जो कि ऑप्शन नंबर सी पर है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। सेकंड क्वेश्चन समझेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन समझेंगे, बहुत आसान क्वेश्चन था। एक बस स्टेशन पी से स्टेशन क्यू तक 70 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से और स्टेशन क्यू से स्टेशन पी तक 90 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाती है, पूरी यात्रा के दौरान बस की औसत चाल ज्ञात करें। जैसे कि मैं आपको बताता हूं, एक तो बेसिक कॉन्सेप्ट रहता है एवरेज स्पीड निकालने के लिए, 2xy अपॉन x प्लस वाई,
इससे भी आप कर सकते हैं, जैसे कि मैं आपको बताता हूँ। पहले टू तो क्वेश्चन ऑफ फॉर्मूले में लिखा ही है तो टू लिख लेंगे। उसके बाद पहले कौन सी स्पीड से जा रहा है, 70 से, वापस किसकी कितने से आ रहा है, 90 से। इन दोनों का सम कितना रहा होगा, 160। इन दोनों का सम कितना रहा है, 70 और 90 जोड़े जाएंगे तो कितने बनेंगे, 160। यहां तक मेरी बात समझ पाए, ठीक। देखेंगे जीरो से जीरो, अब उसके बाद दो से इस नंबर को 16 को काटेंगे, कितनी बार काटा जाएगा, 8 बार। अब फिर 90 को दो से काटेंगे, 45 बार, और 8 को काटेंगे दो से, कितनी बार काटा जाएगा, 4 बार। 45 गुणा 7 कितना बना, 315 भाग 4। अगर 315 में 4 का भाग दिया जाएगा तो कितना बनेगा, 7 6 का 28 7, उसके बाद बचा कितना नंबर, 3, फिर 35 हो गया, 8 6 का 32, फिर उसके बाद कितना बचा, 35 में मतलब 32 तक भाग गया, उसके बाद नंबर बना 3, फिर 7 6 का पॉइंट लगाएंगे, फिर 7 6 का 28, फिर बचाएगा 2, 4 5 20, मतलब 78.75 एवरेज स्पीड रही होगी, जो कि ऑप्शन नंबर बी पर है। एक और कॉन्सेप्ट रहता है इस क्वेश्चन को निकालने के लिए, जैसे कि मैं आपको बताता हूं, 70 की से पहले स्पीड से गया, उसके बाद 90 की से वापस आया, इन दोनों का टोटल सम रहा है, मतलब एलसीएम रहा होगा 630। अगर वो 630 किलोमीटर पी से क्यू तक की डिस्टेंस रही होगी 630 किलोमीटर, अगर वो 630 किलोमीटर की डिस्टेंस 70 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है तो उसे कितना समय लगेगा, मैं बोलता हूँ 9 घंटे, और 90 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है तो उसे कितना समय लगेगा, 7 घंटे। एक तरफ एक बार वो 630 जा रहा है, एक बार वो 630 आ रहा है, तो इसका मतलब ये है कि वो दो बार 630 को चल रहा है, तो 2 × 630 भाग 9 और 7 16। दो से इस नंबर को काटेंगे तो नंबर काटा जाएगा 8 बार, उसके बाद इस नंबर को दो से काटेंगे तो 630 है तो कितना बनेगा, 315, और दो से इसको काटेंगे 4 बार, वही बन रहा है 315 भाग 4, तो यही आंसर निकलेगा। कैलकुलेट करेंगे तो यहां तक मेरी बात समझ पा रहे हैं, यही आंसर निकलेगा 78.75। इस क्वेश्चन को और भी तरीके रहते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, आपको इन्हीं दो तरीकों से क्वेश्चन को निकालना है, यही दोनों आसान तरीके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन समझेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। रामू और मोहन अलग अलग एक कार्य को क्रमशः 10 घंटे और 16 घंटे में पूरा कर सकते हैं, 2 घंटे में एक साथ कार्य करने के बाद मोहन कार्य छोड़ देता है, रामू शेष कार्य को कितने घंटे में पूरा करेगा, समझेंगे क्वेश्चन को। रामू और मोहन दो कैंडिडेट हैं, रामू और मोहन अलग अलग एक कार्य को 10 घंटे और 16 घंटे में कर सकते हैं, जैसे कि मैं बोलता हूं रामू और मोहन, रामू उसी उस कार्य को 10 घंटे में करता है, रामू कितने घंटे में करता है, 10 घंटे में, और मोहन करता है 16 घंटे में। रामू 10 घंटे में करता है, मोहन 16 घंटे में करता है, टोटल वर्क मैंने माना 80 यूनिट। अगर रामू 80 यूनिट को 10 घंटे में करता है तो एक घंटे 80 यूनिट को वो 10 घंटे में करता है तो एक घंटे में वो 8 यूनिट कार्य करता होगा, या लिखेंगे 8 यूनिट कार्य। उसके बाद अगर मोहन 80 यूनिट को 16 घंटे में करता है तो वो एक घंटे में 5 यूनिट कार्य करता होगा या नहीं, हाँ सर एक घंटे में वो 5 यूनिट कार्य करता होगा। यहां समझेंगे, पहले 2 घंटे तक एक साथ कार्य किया, वो एक घंटे में रामू एक 8 यूनिट करता है, एक घंटे में ये 5 यूनिट करता है, दोनों मिलकर एक घंटे में 13 यूनिट कार्य करेंगे या नहीं, करेंगे सर, जैसे कि समझेंगे एक घंटे में वो कितना यूनिट कार्य करेंगे, 13 यूनिट, तो 2 घंटे में कितना कार्य कर देंगे, 26 यूनिट। अब यहां तक 2 घंटे में उन्होंने 26 यूनिट कार्य कर दिया तो 26 यूनिट काम कम कर देंगे, उसमें से कितना काम बचेगा, 80 में से 26 कम होंगे तो कितना कार्य बचेगा, 54 यूनिट लिखेंगे। अब कौन कार छोड़कर जा रहा है, मोहन कार छोड़ देता है तो रामू से इस कार को कितने घंटे में करेगा,
मोहन ने कार छोड़ दिया, मोहन एक दिन में 5 यूनिट करता था और रामू एक दिन में कितने यूनिट कार करता है? 8 यूनिट। तो 54 यूनिट को वो कितने समय में करेगा? तो 8 का भाग दे देंगे इसमें 54 में, यहां देखेंगे 8 अच्छिंग 48, 6 बार कंप्लीट भाग जा रहा है। उसके बाद कितना बच रहा है? 6। तो 6 सही 6/8, या तो ऐसे लिख सकते हैं या फिर और काट सकते हैं इसको, इससे 3 बार और इसे 4 बार। तो यहां लिख देंगे 6 सही 3/4, ये ऑप्शन राइट। इतने दिन में शेष कार्य को कौन करेगा? रामू। 6 सही 3/4 दिन में वो शेष कार्य को कर देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन समझेंगे। बीस लीटर और 36 लीटर के 2 कंटेनरों में दूध और पानी का अनुपात क्रमशः 3:7 और 7:5 है। यदि दोनों कंटेनरों को एक दूसरे में मिश्रित कर दिया जाए तो दूध और पानी का अनुपात क्या होगा? समझते हैं क्वेश्चन को। जैसे कि 2 कंटेनर है, एक कंटेनर ए में 20 लीटर पानी है, 20 लीटर मिश्रण है, और दूसरे में 36 लीटर मिश्रण है। दोनों कंटेनर में दूध और पानी का अनुपात है, अनुपात आपको बताया गया है 3:7, और दूसरे कंटेनर में 7:5 है। यहां तक मेरी बात समझ पाए होंगे आप लोग। जैसे कि मैं आपको बताता हूं, 2 कंटेनर, जैसे कि ए कंटेनर रहा है, कंटेनर ए, इसमें दूध और पानी का जो अनुपात है ना, मिल्क और वाटर, इनमें रहा है 3:7। दूसरे कंटेनर में रहा है, कंटेनर बी में, मिल्क मिल्क और वाटर 7:5। यहां तक मेरी बात समझ पाई? देखेंगे यहां इन दोनों का सम कितना बन रहा है? बन रहा है 10। 10 यूनिट बराबर बोला है क्वेश्चन में, 20, यहां 20 है और ये 36 है। यहां 1 यूनिट का मान कितना रहा है? 2। तो ये बन जाएगा 6:14, डबल कर देंगे इनका। यहां बोला है इन दोनों का सम कितना है? 12। 12 यूनिट बराबर 36, 1 यूनिट बराबर 3। तो ये 3 गुना कर देंगे, 7 21 और 5 गुना 3 15। यहां समझेंगे, जैसे कि 6 और 21 कितना बना? 27 और 14 और 15 29। दूध और पानी का मिश्रण कितना बना? 27:29, जो कि ऑप्शन नंबर सी पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हर्षीना स्टोर से एक नई स्वेट शर्ट खरीदी, जब वे 40% की छूट दे रहे थे, तो यदि स्वेट शर्ट का अंकित मूल्य 2,999 रुपए है तो हर्षी ने छूट के साथ कितना भुगतान किया? यहां लगभग एप्रोक्स आंसर दिए गए हैं आपको, तो इस नंबर को अपन 2,999 से बढ़कर मान लेंगे 3,000, और इस पर 40% की छूट दी जा रही है। 40% की जो फ्रैक्शन वैल्यू रहती है वो रहती है 2/5। इसका मतलब यह है 5 रुपए पर 2 रुपए की छूट दी जा रही है, तो शर्ट कितने रुपए की मिल रही होगी? 3 रुपए की। कितने पर? 5 पर। 5 से 3,000 को काटेंगे 6 बार या 600 बार, 600 × 3 = 1800। वो स्वेट शर्ट कितने की मिल रही होगी? 1800 रुपए की। अप्रोक्सीमेट आंसर देखेंगे ऑप्शन नंबर बी पर, 1799.40 है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। एक कार 108 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से एक निश्चित दूरी 3 घंटे में तय करती है, यदि चाल 27 किलोमीटर प्रति घंटे कम कर दी जाती है तो कार द्वारा समान दूरी को तय करने में लगने वाला समय क्या होगा? समझते हैं। एक कार है जो कि 108 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 3 घंटे तक चलती है, और वही कार की उसी कार की चाल 27 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दी जाती है, तो उस दूरी को वो कितने समय में तय करेगी जो 108 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 3 घंटे में चल रही थी? तो पहले तो अपन निकालेंगे सब लोग कि 108 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 3 घंटे में वो कितने डिस्टेंस चलेगी। तो समझेंगे, यहां चलेगी वो 324, तो टोटल डिस्टेंस कितनी बनी? 324 किलोमीटर। उसके बाद
108 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल समय 27 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल कम हो जाएगी, तो 8 में से 7 कम होंगे तो 1, यहाँ 10 में से 2 कम होंगे तो 8। तो अब नई स्पीड जो बनी है वो 81 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार बनी है। 324, अब ये डिस्टेंस 324 किलोमीटर है वो 81 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से ज्ञात करनी है आपको। 324 भाग 81 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल, यहां इन नंबरों को देखेंगे, पहले इस नंबर को 3 से काटेंगे, 3 से देखेंगे, 3 से काटेंगे 108 बार, और इस नंबर को 3 से काटेंगे 27 बार। अब इस नंबर को और आगे तक काटेंगे, ध्यान देंगे 27 चौका 108 रहता है, तो यहां 4, तो यहां लगेंगे 4 घंटे, कितने घंटे लगेंगे, 4 घंटे, 4 घंटे कहां है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एक चोर ने अपनी यात्रा 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से शुरू की, 30 मिनट के बाद पुलिस ने उसी जगह से 80 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से पीछा करना शुरू किया, पुलिस को चोर को पकड़ने में कितना समय घंटे में लगेगा। समझते हैं, जैसे कि एक चोर है जो 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से भाग रहा है, 30 मिनट बाद पुलिस को चोर दिखाई देता है और उस पुलिस चोर का पीछा करना शुरू कर देती है 80 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। यहां समझेंगे, जैसे कि 60 किलोमीटर प्रति घंटे मतलब वो एक घंटे में 60 किलोमीटर चलता है, तो इसका मतलब यह एक मिनट में वो एक किलोमीटर चलता होगा, यहां वो 30 मिनट में कितने किलोमीटर चल जाएगा, जैसे कि 60 मिनट में 60 किलोमीटर चल रहा है तो एक मिनट में वो चलता होगा एक किलोमीटर, और 30 मिनट में वो चलेगा 30 मिनट चलेगा 30 किलोमीटर। जब पुलिस ने चोर को देखा था तो वो 30 किलोमीटर की दूरी तय कर चुका था, यहां अब पुलिस भी उसका पीछा कर रही है, चोर भी 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से भाग रहा है, और पुलिस भाग रही है, पीछा कर रही है 80 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, यहां इन दोनों की सापेक्ष चाल जो रहेगी वो रहेगी 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल। तो 30 किलोमीटर की डिस्टेंस को तय करने के लिए सापेक्ष चाल है 20 किलोमीटर प्रति घंटा, जीरो से जीरो कट कर देंगे, यहां 3/2 का मतलब रहता है 1/2 या 1.5 घंटे, तो यहां लिख लेंगे 1/2 घंटे लगेंगे चोर को पुलिस को पकड़ने में, सॉरी पुलिस को चोर को पकड़ने में, यहां लिखा है 3/2 घंटे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, राहुल एक निश्चित दूरी को 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करता है और उसी मार्ग से 3 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वापस आता है, तो पूरी यात्रा के लिए उसकी औसत चाल क्या है। वही फॉर्मूला है जैसे कि 2xy/x+y, यहां 2 × x का मान रहा है 4 और y का मान रहा है 3, टोटल सम रहा है 7, 2 × 4 = 8, 8 × 3 = 24, 24/7, यहां 24 में भाग देंगे 7 का, तो 7 × 7 = 21, 3 बार पॉइंट लगाएंगे, फिर बचेगा 3 ही, फिर बचेगा 0 × 7 = 28, उसके बाद 2 × 7 = 14, मतलब 3.242, जो कि ऑप्शन नंबर सी पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बहुत आसान क्वेश्चन था ये, रॉन अपनी पूरी यात्रा को 3 बराबर भागों में विभाजित करता है और अपनी कार पहले भाग अपनी कार से पहले भाग को 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, दूसरे भाग को 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, अंतिम भाग को 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करता है, उसकी पूरी यात्रा के दौरान उसकी औसत चाल ज्ञात करें। जैसे कि पहले वो चल रहा है 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, उसके बाद 40, उसके बाद चल रहा है वो 50, यहां टोटल डिस्टेंस अपन मानेंगे इन तीनों का एलसीएम, यहां रहा है 5 × 4 = 20 और × 3 = 60, 3 जीरो लगा देंगे,
इतना रहा। सॉरी ठीक 600। यहां समझेंगे जैसे कि मैं आपको बताता हूं 30 से इसको कितना समय लगेगा 20 घंटे, इसको 40 से लगेंगे 15 घंटे, इसको लगेंगे 50 से 12 घंटे, यहां 20 प्लस 15 35 और प्लस 12 47। यहां जैसे कि मैं बता रहा हूं आपको तीन बराबर बराबर भागों में उसने भागा है, तय किया डिस्टेंस। जैसे कि यहाँ 600 चला होगा, उसके बाद 600 चला होगा, उसके बाद 600 चला होगा, तो यहाँ टोटल डिस्टेंस जो बनी है वो बनी है 1800। 1800 भाग टोटल समय कितना लगा है उसे 47 घंटे। तो 1800 भाग 47 को अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो जो ऑप्शन नंबर बनेगा डी। कैलकुलेशन कर सकते हैं आप। एक और क्वेश्चन देखेंगे, टाइम एंड वर्क का है, जो ए एक कार्य को 8 दिनों में पूरा करता है और बी 24 दिनों में कर सकता है उसी कार्य को। वे एक साथ कार्य शुरू करते हैं लेकिन कार्य पूरा होने से 4 दिन पहले ए कार्य छोड़ देता है। संपूर्ण कार्य को पूरा करने के लिए ए और बी द्वारा लिया गया समय ज्ञात करें। जैसे कि ए करता है किसी कार्य को 8 दिनों में, बी करता है उसी कार्य को 24 दिनों में, टोटल वर्क कहा होगा 24 यूनिट। एक दिन में ये 3 यूनिट करेगा और एक दिन में ये 1 यूनिट काम करेगा। यहां तक समझेंगे। ए लेकिन कार्य पूरा होने से 4 दिन पहले एक कार्य छोड़ देता है। अगर ये कार्य ना करता, कार्य छोड़कर नहीं जाता 4 दिन पहले, तो एक दिन में एक दिन में 3 यूनिट कार्य करता है, तो 4 दिन में उसने कितना कार्य किया होगा, एक दिन में वो कितना करता है 3 यूनिट, तो 4 दिन में उसने कितना किया होगा 12 यूनिट। अगर ये 12 यूनिट और इसमें जोड़ दी जाए तो टोटल वर्क बनेगा 36 यूनिट। 36 यूनिट को ये दोनों करेंगे, 3 प्लस 1 4, तो 4 से भाग दे देंगे 36 में, कितना जाएगा, कितनी बार जाएगा 9 दिन। तो यहाँ आएंगे 9 दिन टोटल वर्क को इन दोनों को करने में कितना समय लगेगा 9 दिन, जो कि ऑप्शन नंबर डी पर है। सेकंड क्वेश्चन देखेंगे, एक वस्तु का मूल्य दो वर्ष में घटकर 18,000 से 14,580 हो गया। वस्तु के मूल्य में मूल्यह्रास की वार्षिक दर ज्ञात करें। जैसे कि 2 वर्ष में हुआ है, अगर परसेंटेज वैल्यू में दिया है तो आप इसको रेशियो से कर सकते हैं। जो मैंने पहले क्वेश्चन किया था सेम ऐसा ही क्वेश्चन है ये, 18,000 अनुपात 14,580, 0 से 0 कट कर देंगे, उसके बाद यहां बचेगा 1800 और यहां 1458। उसके बाद देखेंगे यहां 2 से इस नंबर को काटेंगे 900 बार और 2 से इस नंबर को काटेंगे 729। ये 2 वर्ष में रहा है तो ये स्क्वायर रूट में रख देंगे इन दोनों नंबरों को। यहां निकलेगा 30 और यहां 27। कितने की कमी आई है, 3 की, कितने पर 30 पर इंटू 100, 30, 3 से 30 को काटेंगे 10 बार, 10 से 100 को काटेंगे 10 बार, तो यहां कितना रहा है 10% की कमी रही है, जो कि ऑप्शन नंबर सी पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 24 और 36 का तृतीय समानुपाती निकालना है, तो यहां तृतीय अनुपात निकालने के लिए रहता है बी स्क्वायर अपॉन ए। बी का मान यहां कितना दिया है 36, तो 36 इंटू 36 अपॉन ए। ए का मान रहा है 24, 24 का भाग देंगे जैसे समझेंगे, एक कॉमन नंबर देखेंगे 12, 12 तीस नंबर को 24 को काटेंगे 2 बार और 12 से 36 को काटेंगे 3 बार, 2 से उसके बाद फिर काटेंगे 36 को कितनी बार 18 बार, 18 × 3 कितना बनेगा 54। 54 कौन से नंबर पर है, ऑप्शन नंबर पर है डी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, दो संघों के आयतन के अनुपात 3:2 है और त्रिज्याओं के अनुपात है 3:4, उनकी ऊंचाइयों को निकालने हैं आपको। तो जैसे कि समझेंगे,
वही रहता है आर स्क्वायर वन इंटू एच एच वन और आर स्क्वायर टू इंटू एच टू और यहाँ वॉल्यूम वन और वॉल्यूम टू ऐसे रेशियो दिए गए हैं आपको, निकालते हैं कैलकुलेट करते हैं आगे। जैसे कि R1 का मान रहा है 3, तो 3 का स्क्वायर कितना बनेगा 9। उसके बाद H1 आपको ज्ञात करनी है तो H1 लिखेंगे यहाँ। उसके बाद R2 दिया 4, 4 का स्क्वायर रहता है 16 इंटू एच टू बराबर। आयतनों का अनुपात कितना दिया है 3:2। यहां समझेंगे 3 से इस 9 को काटेंगे 3 बार और 2 से 8 16 को काटेंगे 8 बार। यहां 8 का क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, यहां एच वन अपॉन एच टू का मान रहा है 8/3 या बोल सकते हैं 8:3 जो कि ऑप्शन नंबर 8:3 ऑप्शन नंबर डी पर है। एक और क्वेश्चन समझेंगे। 28 के वर्ग को उस सबसे बड़ी संख्या से विभाजित किया जाता है जो 42 और 56 दोनों को पूर्णतः विभाजित कर सकती है, परिणाम क्या है? 28 का वर्ग, वर्ग निकालने के लिए कोई संख्या का उसी संख्या का दो बार मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो 28 भाग 42 और 56, तो 42 और 56 का आपको एलसीएम निकालना है, सॉरी एचसीएम निकालना है। बड़ी से सबसे बड़ी संख्या निकालनी है तो सबसे बड़ी संख्या निकालने के लिए इन दोनों इनका एचसीएम कितना रहा होगा 42 और 56 का 14 कितना रहा है 14 का इस नंबर से काटना है 28x28 को, इसको कितनी बार काट देंगे दो बार, तो 2x28 कितना हो जाएगा 56 जो कि ऑप्शन नंबर ए पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। एक गोले का बद पृष्ठ क्षेत्रफल 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो इस गोले का आयतन ज्ञात करना है। ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क में है, क्वेश्चन को आप कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे। धन्यवाद मुझसे जुड़ने के लिए।